यदि कोई गुरु के आदेश को उल्लंघन करता है तो कभी परमार्थ में जा ही नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि गुरु जी मैं आप तो हमें जानते नहीं है, आप हमें जानते नहीं है कि मैं कैसे कैसे रहता हूँ और क्या करता हूँ, तो ये क्या हुआ? तब तो फिर गुरु का भाव रहा कहाँ? एक आदमी कल कह रहा था आप तो जानते नहीं हमें जब मैं क्या क्या करता हूँ कैसे रहता हूँ, कहे तुमने सब चौपट कर दिए। गुरु जान करके भी और भगवान जैसा भाव नहीं आया। जब इतना ही भाव नहीं आया तो फिर क्या हुआ? एक मध्यम अधिकारी भी नाड़ी पकड़ करके देख करके बतला सकता है जो क्या? एक आदमी वैद्य के पास में गया, साधारण वैद्य के पास, उसने देखा कि ये दुबला पतला है, खूब दुबला पतला, तो उसकी उसको नाड़ी तो झूठ झूठ को देखता है, वो पहले जानता है इसका पेट खराब, नाड़ी देखता कहता तुम्हारा हजम नहीं होता है, बात ठीक है ना? अच्छा ये तुमको यहाँ पर गैस बनती? नाड़ी पैसे और आंख बंद करके देखता है। और जितने जब उससे होते हैं ना वो सब कुछ बतला है, वो कुछ जान लिया। वैसे मध्यम अधिकारी एक वैद्य है, हम देख करके बतला देंगे जब क्या क्या परमार्थ में कमियां हैं किस व्यक्ति को देख करके ही चेहरे से, और हमसे जो ऊंचा होगा वो तो हम लोग का भी नाड़ी नक्षत्र देख करके बतला देगा। इसलिए ये कहना सर्वथा ये ऐसा कभी मत समझना गुरु जी हमारे जैसे एक मनुष्य है, हमारे मन की भावनाओं को नहीं जानते, उनको जो जानना है वो देख करके सकल सूरत से ही वो बतला देंगे। तुम्हारे एक विचार को टटोल करके देखेंगे, एक हड़िया में एक चावल पक गया कि नहीं, एक पक गया तो और एक कच्चा है तो अभी कच्चा है और ये इसमें ये गड़बड़ी है बतला देंगे वो सब। इसलिए गुरु जी को मत बुद्धि कभी मत देखो, भले ही वो मध्यम अधिकारी के हो, जैसे भी हो, उनके प्रति कर्मी अपने गुरु को भगवत स्वरूप मानता है तो हम अपने गुरु को जो भक्तिमान है उनको सर्वज्ञ नहीं मानेंगे? जरूर मानना, नहीं तो परमार्थी सिद्धि नहीं।